नमस्कार सभी को। सबसे पहले अरुणभूमि चैनल को थैंक यू यहाँ हमको मौका देने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ मिस्टर नाम तपक। आई एम फ्रॉम सगाली। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मैं आप लोग का सामने आज ये अरुणभूमि का चैनल का माध्यम से आप लोग को मैं आज कुछ बताना चाहूँगा। कुछ पॉइंट लेके आया है। ये PWD सगाली डिवीज़न का है। कुछ करप्शन अगेंस्ट का चार्ज में कुछ पॉइंट लेके आया है। तो मैं आप लोग को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये बात जो है कि पहले बता देना चाहिए था आप लोग को, क्योंकि डिपार्टमेंट ने लेट करने के कारण तो आज हम लेट आया है। क्योंकि मैंने अपना सोच के नहीं किया ये, जो क्योंकि पब्लिक का कहने पर मैंने ये किया है ये चेक एंड बैलेंस को। क्योंकि सगाली का पब्लिक का कहना था कि PWD सगाली का डिवीज़न ने बहुत कुछ करप्शन चल रहा है। 2019 में मैंने PWD डिवीज़न का सगाली में मैंने फाइल किया था। तो फाइल करने के बाद हमको कागज़ देने के लिए डिपार्टमेंट जो बहुत गुमराह किया है, कागज़ नहीं दे सके। तो आज 2019 का बाद मैंने कागज़ RTI फाइलिंग करने वाला, तो डॉक्यूमेंट्स हमको आज हमको दिया है, हमको कम्प्लीटली मिल गया है। तो ऐसे होता है कि 2019 का जो डाला वाला तो 4 साल का बाद हमको कागज़ को देता है। तो RTI का नियम जो कहता है कि एज पर RTI का अनाउंस में कहता है कि 30 डेज में हमको रिप्लाई करना चाहिए, कागज़ हो या ना हो। तो PWD के डिवीज़न ने हमको 4 साल का बाद हमको रिप्लाई दिया है। तो अलग डिवीज़न ने मांगने से तो कागज़ ऐसे RTI डालने से 15 डेज में भी वापस दे देता है। इसके बाद 20 डेज में, 25 डेज में, अंदर 30 डेज में हमको दे देता है, कागज़ हो या ना हो। तो हमारा सगाली डिवीज़न का PWD डिवीज़न ने बहुत स्लोली है कागज़ देने के लिए। देखिए 4 साल लगा, आप लोग सोच के देखिए 4 साल में कागज़ दे देता है। पब्लिक पब्लिक के लिए कितना हरसमेंट है। आप लोग पब्लिक का सर्वेंट है, पब्लिक का सर्वेंट, आप पब्लिक का काम कीजिए। पब्लिक को हरसमेंट देने के लिए आप लोग को गवर्नमेंट पैसा नहीं देता है। ऐसे करके हम पॉइंट को कागज़ को कलेक्शन करने का बात तो आज मिला है। तो हम आप लोग को करप्शन क्या किया है, एग्जैक्टली करप्शन क्या किया है, तो इसका पॉइंट मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। करप्शन जो किया है PWD सगाली डिवीज़न में, एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से एक फंड आता है, स्कीम आता है अंडर द स्कीम ऑफ SPA एनुअल स्टेट प्लान में एक स्कीम आता है। स्कीम का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी सेक्रेटरी एट सगाली पैकेज 1 करके। तो इसका इन ईयर्स ऑफ द सेंक्शन जो है जनवरी का 4 तारीख 2013 में इसका सेंक्शन हुआ था, 4 जनवरी 2013 में इसका जो है सेंक्शन जो आता है। फिर इसका अमाउंट जो होता है, सेंक्शन अमाउंट जो होता है 4 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ 50 लाख का सेंक्शन जो या अमाउंट जो उसमें आता है। फिर और एक बार आता है सेम बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी सेक्रेटरी एट सगाली पैकेज 2 करके। आगे का पैकेज 1 था, तो अभी ये पैकेज 2 है। तो बिल्डिंग तो एक ही है, तभी भी ये पैकेज 1 पैकेज 2 करके या मैं एक काम आता है। तो पैकेज 2 का ये जो सेंक्शन जो होता है इन ईयर्स ऑफ द सेंक्शन जो होता है 19 सितंबर 2013, एक ही साल में सेंक्शन हुआ है, आता है, कुछ मंथ का फर्क है। तो इसका सेंक्शन अमाउंट जो होता है
500 लैक्स, यानी कि 5 करोड़, 5 करोड़ जो आता है पैकेज 2 में। तो पैकेज 1 में 4 करोड़ 50 लैक्स एंड पैकेज 2 में 5 करोड़। तो ये दोनों को, पैकेज 1 का अमाउंट और पैकेज 2 का अमाउंट को, पैकेज 1 का अमाउंट जो है कि 4 करोड़ 50 लैक्स एंड सेकेंड जो पैकेज 2 का अमाउंट जो है 5 करोड़, ये दोनों को प्लस करने से अमाउंट जो होता है 9 करोड़ 50 लैक्स, 9 करोड़ 50 लैक्स होता है दोनों का, पैकेज 1 एंड पैकेज 2 का अमाउंट को प्लस करने से। तो पीडब्ल्यूडी सगाली डिवीजन ने क्या किया, टेंडर कॉल करता है, एनआईटी कॉल करता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर कॉल करता है कि अमाउंट जो जो उन लोग का कॉल करने वाला है कि 7 करोड़ 43 लैक्स 98,000 का सिर्फ टेंडर कॉल करता है, ये पैकेज 1 एंड 2 का मिला के। तो टोटल अमाउंट जो है 9 करोड़ 50 लैक्स, 9 करोड़ 50 लैक्स टेंडर कॉल करने का जगह में डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने क्या किया, 7 करोड़ 43 लैक्स 98,000 का ही सिर्फ टेंडर कॉल किया है। तो ये जो मिसिंग का अमाउंट है, यहाँ का जो मिस पैसा जो गायब होता है, रिमेनिंग जो मिसिंग जो अमाउंट होता है 2 करोड़ 2 करोड़ 6 लैक्स 2,000 का अमाउंट जो मिस यूज है, पीडब्ल्यू डिवीजन ने उसको मिस यूज कर दिया है, टेंडर कॉल नहीं किया है, पुल अमाउंट में टेंडर कॉल नहीं किया है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, कागज़ यहाँ में है, आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, कोई भी चाहो तो मैं दे भी दूंगा। ये पैकेज 1 का सेक्शन है 4 करोड़ 50 लैक्स एंड पैकेज 2 का है 5 करोड़, सेंक्शन ऑर्डर है ये। तो इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूसी भी है, दोनों दोनों का है। तो यहाँ में देखिए, ये न्यूज़पेपर का है, टेंडर कॉल किया है 7 करोड़ 43 लैक्स 98,000 का ही किया है, मैं नहीं बोल, डिपार्टमेंट हमको खुद ही दिया है, डिपार्टमेंट ही वो हमको बताता है कि उन लोग ने ऐसे टेंडर कॉल किया है, वो 7 करोड़ 43 लैक्स 98,000 सिर्फ ये टेंडर कॉल किया है आउट ऑफ 9 करोड़ 50 लैक्स में से। तो ये 2 करोड़ 6 लैक्स 2,000 को पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो 2013 का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है उस उन्होंने मिस यूज किया है ये अमाउंट को। ये नाम तो नहीं ले दूंगा, नाम मैं नेक्स्ट ब्रीफिंग में नाम पूरा ले दूंगा, नाम पूरा सब कुछ नेक्स्ट ब्रीफिंग में मैं बताऊंगा आप सभी को, पब्लिक को। तो ये मिस यूज जो किया है डिपार्टमेंट, जो मिस यूज किया है 2 करोड़ 6 लैक्स 2,000 का, तो उसको मैं यही बोलूँगा, आप टेंडर कॉल क्यों नहीं किया है, पुल टेंडर कॉल किस लिए नहीं किया है? तो आप कौन होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से फंड आता है तो पुल अमाउंट जो 9 करोड़ 50 लैक्स है, तो उसको आप पुल अमाउंट में टेंडर नहीं करके आप 7 करोड़ 43 लैक्स 98,000 सिर्फ टेंडर कॉल किस लिए करते, आप कौन होता है ऐसे अपना मनमानी करने वाला? ऐसे नहीं होगा, पुल एमन में टेंडर कॉल करना है, पुल एमन में काम करना है। तो ये है, इसलिए ये गवर्नमेंट को ये अमाउंट को आप वापस दीजिए, जल्द से जल्द वापस दीजिए, मीडिया के सामने वापस देना पड़ेगा उसको। और एक ये 2000 वो का है, 13 का बात था, फिर अभी इसके बाद फिर ये काम करके मिनी सेक्रेटरी बिल्डिंग बना के, ये पैकेज 1 पैकेज 2 काम करके, ये करके जो प्रवेश का एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है उन्होंने निकल गया है तो ट्रांसफर चला जाता है, तो उसमें फिर एक नया आ जाता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, तो इसका बारे में मैं बताऊंगा। फिर एक काम आता है,
स्कीम जो आता है अंडर द स्कीम ऑफ आरई में स्कीम आता है ईयर्स जो है 1920 में आता है। नेम जो है कि स्कीम का नेम जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी सेक्रेटरी एट सगाली क्लियरेंस ऑफ कमिटेड लाइबिलिटीज करके, तो आगे वाला भी सेक्रेटरी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैंने सेक्रेटरी बिल्डिंग था, तो यहाँ में भी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैंने सेक्रेटरी बिल्डिंग है। तो वो एग्जीक्यूटिव निकलने के बाद फिर ये न्यू एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग जो आके फिर यहाँ में प्रपोजल डाल के स्कीम डाल के एक ही बिल्डिंग को बार बार प्रपोजल डाल के पैसा को लूट रहा है, पैसा को मिस यूज कर रहा है, गवर्नमेंट पैसा को। तो यहाँ में इन ईयर्स ऑफ सेंक्शन जो होता है 12 मार्च 2019 में सेंक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट से। इसके बाद इसका सेंक्शन अमाउंट जो है 500 लैक्स यानी कि 5 करोड़, 5 करोड़ का यहाँ में अमाउंट जो आता है। लेकिन हमको बताता है डिपार्टमेंट, जो मैंने पूछा आते का दौर में, मैंने यहाँ पूछा ये अमाउंट को आप टेंडर किया है कि, मैंने पूछा टेंडर जो मैंने मांगा, फर्निश दी जेरोक्स कॉपी ऑफ NIT और NIQ इज यस, फर्निश दी जेरोक्स कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ लोकल डेली न्यूज़पेपर। डिपार्टमेंट हमको रिप्लाई देता है इसका नहीं है बोला है, टेंडर नहीं किया है बोला है, इसका मतलब टेंडर नहीं किया है बोला है। तो आप सोच के देखिए 500 लैक्स 5 करोड़ को हुईदा टेंडर में काम कैसे कर सकता है, और काम भी किया ही नहीं, करेगा भी क्या करेगा। ऑलरेडी मैंने सीक्रेट बिल्डिंग तो बन के बैठ गया है, पैकेज 1 पैकेज 2 में कम्प्लीटली बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना कर रख दिया है। तो इसका नाम को लेके फिर या मैं पैसा उतारने के लिए फिर स्कीम डालता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेज सिक्रेटरी एट सगाली क्लियरेंस ऑफ कमिटेड लाइबिलिटीज करके। तो एक ही बिल्डिंग को बार 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 स्कीम डाल के करना है, ये क्या मीनिंग है। तो जब तक ये मैनेज सिक्रेटरी बिल्डिंग जो सगाली की मैनेज सिक्रेटरी बिल्डिंग जो जब तक नहीं गिरेगा तब तक ये स्कीम बना के काते रहेगा क्या, करप्शन करते रहेगा क्या। इसलिए उसको टेंडर कॉल नहीं किया है। तो टेंडर कॉल क्यों नहीं किया, होम बोल रहे हैं आप, टेंडर कॉल किस लिए नहीं किया। आजकल देखिए गवर्नमेंट कहता है, गवर्नमेंट आप लोग बोलता है 5 5 लाख से टेंडर करना चाहिए, 1-2 रुपया को भी टेंडर पूरा बोलता है। तो आप देखिए आदमी लोग पब्लिक लोग 10 लाख का 20 लाख का 15 लाख का टेंडर करके पार्टिसिपेट करके डिवीजन में ऑफिस में झगड़ा उगड़ा करके पाइटिंग वाइटिंग करके लड़के घूमता है। तो आप कौन होता है यहाँ में 5 करोड़ को टेंडर नहीं करने वाला, आप कौन होता है, आप कौन राजा है क्या। आप गवर्नमेंट चला रहे हैं ना, आपको गवर्नमेंट चला रहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, बताइए ये स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सगाली आप चला रहा है क्या स्टेट गवर्नमेंट को ना, आपको फिर स्टेट गवर्नमेंट ने चला रहे, आप क्यों मनमानी करते, आप कौन सा राजा है जो भी अपना मनमानी करेगा, जो भी अपना मनमानी करके कुछ भी करके पब्लिक का पैसा को गवर्नमेंट का पैसा को मिसयूज करता है, आप कौन होता है। इसलिए क्यों टेंडर नहीं किया बताइए, डेबिट करो मेरे साथ, हम रह दिए टेंडर किस लिए नहीं किया, टेंडर करना चाहिए। 5 करोड़ मामूली है क्या, 5 करोड़ को आज तक आदमी 5 करोड़ को भी नहीं देख के मरने वाला भी होगा। तो 5 करोड़ को या आप टेंडर नहीं करके ऐसे ऐसे उठा लेता है, गवर्नमेंट पैसा मिस यूज कर देता है। इसलिए मैं बोलूँगा, अपील करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी सर जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ऑफिसर को जल्द से जल्द आप ट्रांसफ़र कीजिए, और जल्द से जल्द आप उसको एक्शन लीजिए, एक्शन जल्दी लीजिए। ऐसे ऑफिसर हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग डिवीजन में नहीं चाहिए सगाली में। अब जल्द से जल्द ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग को ट्रांसफ़र कीजिए और एक्शन लीजिए। और एक बात, अभी का ये सेंक्शन उधर यह है, पूरा डिटेल्स में कागज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, कागज़ को देख के आप लोग को मैं बता रहा हूँ, UCB है यह में।
रिपेयर में कहता है कि काम नहीं किया है, बोला है। और एक स्कीम जो आता है अंडर द स्कीम ऑफ SID ऐप में, SID ऐप में फिर एक स्कीम आता है 2021-22 में, रिसेंटली अभी का वाला। तो इसका वर्क वर्क का नाम है क्लियरेंस ऑफ पेंडिंग लाइबिलिटीज अगेंस्ट बायर्स वर्क अंडरटेकिंग इन द मैनी सेक्रेटरी बिल्डिंग सगाले एनुग्रेटेड बाय होनरेबल गवर्नर ऑन 13/4/2018 में। ये जो फिर देखिए मैनी सेक्रेटरी बिल्डिंग यहाँ में भी आता है, फिर वही एक ही बिल्डिंग में चार बार हो गया, आगे के पैकेज वन पैकेज टू, फिर अभी नेक्स्ट का वाला, फिर और यहाँ में चार बार हो गया। फिर यहाँ में सेंक्शन जो होता है इन ईयर्स ऑफ सेंक्शन जो होता है कि 15 मार्च 2020 में, 2022 में, 15 मार्च 2022 में सेंक्शन होता है। अमाउंट जो है कि सेंक्शन अमाउंट जो है कि 1,25,36,000 का अमाउंट जो यहाँ में सेंक्शन होता है, लेकिन अप्रूवल अमाउंट जो यहाँ में सिर्फ 33 लाख का अप्रूवल हुआ है, 33 लाख का अप्रूवल हुआ है। तो हो है तो यहाँ में भी ये भी काम नहीं किया है, टेंडर भी कॉल नहीं किया है, तो उसको भी ऐसे करके पैसा को मिसयूज करता है, पैसा को खा देता है। देखिए मैंने सिक्रेटरी मैंने सिक्रेटरी मैंने सिक्रेटरी इतना ज़्यादा मैंने सिक्रेटरी कर करके यहाँ तक आ रहा, अभी तक आ रहा है। मैंने सिक्रेटरी बिल्डिंग जब मेंटेनेंस करने के लिए लायक हो गया, घर बनाने वाला पूरा पुराना हो गया, मेंटेनेंस करने के लिए लायक हो गया है, तभी भी यहाँ में स्कीम डाल डाल के प्रपोजल डाल डाल के स्कीम को पैसा को का के मिस यूज गवर्नमेंट पैसा को कर रहा है। इसका सेंक्शन उधर यहाँ में है, और डिपार्टमेंट हमको बोलता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग को मैं मंगा था अभी का ये वाला क्लियरेंस ऑफ पेंडिंग लाइबिलिटीज अगेंस्ट वर्स वर्क अंडरटेकिंग इन दी मैनी सेक्रेटरी बिल्डिंग सगाली इनोग्रेटेड बाय ऑनरेबल गवर्नर ऑन 13/4/2018 का मांगा था। हमको डिपार्टमेंट PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हमको क्या किया है, रिप्लाई देता है कि देयर इज नो सच सेंक्शन स्कीम अंडर द सगाली डिवीजन। हमको बताते हैं स्कीम जो नहीं है बोलते, तो मैं सेक्रेटरी में मंगा, सेक्रेटरी बिल्डिंग में मैं जाके मंगा, तो उसमें तो हमको दे दिया, तो कागज हमको यहाँ में है। देखिए हमको झूठ बोलता है, अप्रूवल ऑलरेडी हो गया, टेंडर ये भी सेंक्शन उधर भी यहाँ में है, होते हुए भी हमको झूठ बोलता है, गुमराह करता है। ऐसे ऑफिसर चालू वाला आप दुनिया में नहीं मिलेगा, बहुत करप्टेड ऑफिसर है, बहुत दिमाग चलाता है, पब्लिक को बहुत हरासमेंट देता है। और पैकेज वन एंड पैकेज टू में जो काम किया तो इसका बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। उसमें काम करता है कि काम DPR में बहुत कुछ काम नाना रकम है, आधा को तो हम लिखा तो नहीं है, जस्ट एक दो हम लिखे लेके आया है। उसमें प्रोटेक्शन वॉल वास ऑलरेडी उसमें है, प्रोटेक्शन वॉल जो पहले से बन के ही था, तो उसको तो काम किया है ही नहीं, काम किया बोल के उसमें पैसा मिसयूज कर दिया है। और जो आर्थ वर्क जैसे कि मैंने सेक्रेटरी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक बाहर एरिया को कटिंग करना पड़ता है, जैसे कि लेवलिंग कटिंग ना डंपिंग वो सब करता है, इसके लिए एक पैसा आता है 55 लाख का। तो हमारा सगाली मैनी सेक्रेटरी बिल्डिंग जहाँ बना हुआ है, जहाँ बनाया हुआ है, उसमें ना पहाड़ था, ना मती ऊंचा हाई तोके था, ना डाउन एरिया था, कुछ भी नहीं, एकदम नेचुरल प्लेन था, नेचुरल प्लेन था। उसमें ऑलरेडी प्लेन है,
क्योंकि हम मेरा घर सामने में ही है, सेक्रेटरी बिल्डिंग का उपवोध सामने में ही हम मेरा घर उसमें है। हम छोटा से देख के आया क्योंकि बचपन से हम लोग उस उधर खेल के आया है, क्योंकि उसमें कुछ पहाड़ तो है ही नहीं, कुछ बनाने के लिए था ही नहीं, पत्थर छोटा मोटा एक दो होगा उसमें, तो थोड़ा सफा वफा करके झाड़ू सारू करके थोड़ा ग्रास वरास कटिंग करके जस्ट बिल्डिंग स्टार्टिंग किया है, क्या होगा। तो उसमें उसमें भी 55 लैक्स का मिस यूज करता है। तो देखिए ना, पहले का उसमें भी इतना करप्शन है, यहाँ में भी काम किया है उनके 55 लैक्स का मिस यूज कर देते हैं। फिर एक बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल जो है उन लोग, तो उन लोग ने डिपार्टमेंट ने बनाया है 163 मीटर बनाया है, लेकिन DPR जो कहता है 219.10 मीटर बनाना चाहिए, क्योंकि उन लोग जो इनकम्प्लीट वर्क किया है, क्योंकि 163 सिर्फ बनाया आउट ऑफ 219.10 मीटर में से हाफ वर्क किया है। और एक है 2 नोस ऑफ MS गेट, उसमें ऑलरेडी था गेट, तो ऑलरेडी है, क्योंकि एक गेट साइड में घुसने का जगह, साइड लेफ्ट साइड में किनर में एक छोटा सा बनाया है, वो नहीं होगा, वो एक जस्ट देखावत के लिए बनाया है। जैसे यहाँ एक गेट बनाया ही नहीं, एक छोटा सा बनाया वो सिर्फ, जहाँ अभी गेट मैंने सेक्रेटरी में गेट एंट्री हो रहा है, वो जो RWD डिपार्टमेंट का गेट है, पहले से था, पहले से है, पहले से ही घुस रहा था, हम लोग बहुत आना जाना करता था, तो ऑलरेडी वही गेट है, अलग गेट तो बनाया ही नहीं, तो गेट बनाया उनके भी उसमें ये कर दिया है, पैसा को मिस यूज कर दिया है, उतार दिया है। तो यहाँ का PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD सगाली डिवीजन का जो गवर्नमेंट पैसा को मिस यूज जो किया है, इसका टोटल अमाउंट जो होता है मिस यूज जो किया वाला, गवर्नमेंट पैसा मिस यूज जो किया वाला अमाउंट जो होता है 7 करोड़ 94 लैक्स 2000। मैं फिर से बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग PWD सगाली का अमाउंट, गवर्नमेंट का अमाउंट को, पैसा को, फंड को मिस यूज जो किया है, इसका अमाउंट जो है 7 करोड़ 94 लैक्स 2000 का मिस यूज किया है। इसलिए मैं बोलूँगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग प्रीवियस और प्रेजेंट दोनों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप दोनों ये 7 करोड़ 94 लैक्स 2000 को जल्द से जल्द आप गवर्नमेंट को वापस पैसा देना पड़ेगा, मीडिया का सामने, मीडिया का सामने में आप 7 करोड़ 94 लैक्स 2000 का पैसा को आप वापस देना पड़ेगा, मीडिया का सामने में पैसा वापस दीजिए, सरकारी जनरल जनरल ग्राउंड में दे दीजिए। आप क्यों इतना करप्शन करते हैं, विदा टेंडर में आप क्यों काम करता है, काम किया भी नहीं, पैसा ऐसे उठा लेता है, ऐसे कौन सा नियम है, आप क्यों ऐसे मनमानी करता है, हो है बात। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट गवर्नमेंट को, पेमा खांडू सर जी को मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, ये करप्टेड ऑफिसर को आप जल्द से जल्द आप एक्शन लीजिए और ट्रांसफ़र करिए, मैं वही बार बार रिक्वेस्ट करूंगा पेमा खांडू सर जी को, ऐसे ऑफिसर हमारा सगाली डिवीजन में बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक PWD सगाली डिवीजन जो क्या करता है, हमारा डिवीजन में एक स्कीम आता है निसी हेराइटेज विलेज एथोज करके, निसी हेराइटेज विलेज एथोज करके एक स्कीम आता है, तो पर्स में आता है 18-19 में आता है 2 करोड़, 2 करोड़ का एक स्कीम आया था, तो उसको तो काम किया ही नहीं, ऐसे पैसा ले लिया। फिर 1920 में 4 करोड़ का एक आया था, इसके बाद 2021-22 में 3 करोड़ 10 लैक्स का आया है,
तो उसमें नेशनल हेरिटेज विलेज एथोज का स्कीम में पीडब्ल्यूडी सगाली का डिवीजन ने क्या करता है आप लोगों को मैं बताता हूँ। यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेनर जो क्लास 2 और 3 का जो काम करना है इस पर सीपीडब्ल्यूडी का रूल्स में, लेकिन हमारा सगाली में तो कुछ अलग ही रूल चला रहा है। पीडब्ल्यूडी सगाल डिवीजन जो उल्टा क्या करता है, असम का पारम को यहाँ में हमारा पीडब्ल्यूडी सगाली डिवीजन में असम का पारम को ले आके यहाँ में काम करने दे रहा है। तो आप सोच के देखिए, हम जिंदगी में ऐसे कभी देखा भी नहीं सुना भी नहीं। तो आप देखिए डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेनर बनाने का मतलब क्या है, जैसे कि असम का होने से भी असम में बहुत सारा सारा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेनर के हिसाब से असम का पारम है तो असम में काम करना चाहिए, जहाँ जो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनाता है जहाँ असम में होने से असम में बनाना चाहिए, जहाँ अपना ज्यूरिडिक्शन में डिस्ट्रिक्ट में करना है तो उसमें काम नहीं करके यहाँ हमारा सगाली तक पहुँच गया, पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट तक ये असम का पारम जो यहाँ पहुँच के काम कर रहा है। ये कौन सा कानून है बताइए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सगाली पीडब्ल्यूडी सगाली का डिवीजन जो क्यों अपना मनमानी कर रहा है? आप सोच के देखिए, हमारा सगाली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में ये एनलिस्टमेंट कॉन्ट्रेक्टर तो बहुत सारा है, तो उन लोगों को काम क्यों नहीं देते? उन लोगों को काम यहाँ होते हुए तो आप असम का वाला कैसे दे सकते? डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेनर का नियम रूल एंड कानून को आप क्यों ब्रेक कर रहे हैं, आप क्यों फॉलो नहीं करते हैं, क्यों ऐसे करते हैं? ऐसे नहीं कर रहे हैं, काम कीजिए, अच्छा से करो, गवर्नमेंट सर्वेंट अच्छा से काम करो, काम करके पैसा कमा, अच्छा से जिंदगी बिताना है। आप ऐसे इतना करप्शन किस लिए करते हैं? या मैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पपमपरे में एनलिस्टमेंट कॉन्ट्रेक्टर लोग इतना ज़्यादा है तो उन लोगों को काम नहीं देता है, उन लोगों को काम नहीं दे के असम का पारम को उल्टा आप किस लिए दे रहे हैं? तो यहाँ में अरुणाचल का पापमपारे का एनलिस्टमेंट कॉन्ट्रेक्टर तो गवर्नमेंट को रॉयलिटी जीएसटी ऐसे काट के देता है, तो आप लोग ऐसे काम कर देने से काम कैसे करें, कैसे काट के देते रहते? अरे काम दीजिए ना, काम करने मौका दो ना, हमारा अपना ज्यूरिडिक्शन का अपना डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेनर का काम करने दीजिए, रूल को फॉलो कीजिए। आप भोर सब नहीं करके असम से उठा के यहाँ में हमारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा सगाली पीडब्ल्यू डिवीजन के अंदर में काम करने दे रहा है, ये बहुत गलत बात है, बहुत करप्ट ऑफिसर है। हम बोलता हूँ ऐसे नहीं करने से ठीक है, बहुत गलत है। सगाली जो डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आता है, पापमपारे डिस्ट्रिक्ट का अंदर में, क्योंकि हम लोग का सगाली कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, तो एनलिस्टमेंट वाला को देना चाहिए था, एनलिस्टमेंट कॉन्ट्रेक्टर को ना, तो उसको नहीं दिया है। आप बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं पेमा कंदू सर जी को ये करप्टेड ऑफिसर को, सबसे करप्टेड ऑफिसर है, करप्शन ऑफिसर है, उसको जल्द से जल्द विद इन 1 मंथ में आप उसको एक्शन लीजिए, 1 मंथ में, और एक्शन लीजिए, FIR दीजिए, पुलिस भेजिए, सगाली सगाली दूर नहीं है, 40 मिनट में, 45 मिनट में, लेट 1 घंटा में पहुंच जाता है, जल्दी उसको कार्रवाई कीजिए, जल्दी उसको चेक इन बैलेंस करो। ये बहुत करप्शन है, ऐसे ऑफिसर हमारा सगाली में बिल्कुल नहीं चाहिए, जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करो और एक्शन लीजिए। मैं पेमा कंदू सर जी को मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।